वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं हरभजन सिंह के फुल आईपीएल करियर के बारे में। हरभजन सिंह एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज है जिन्होंने 2008 से 2021 तक आईपीएल में खेला है। हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे चैंपियन टीम्स का हिस्सा रहे हैं। हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में डेब्यू करते हुए 2008 में 3 मैचेस में 5 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3 for 32। उन्होंने 8.20 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2009 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हरभजन सिंह ने 13 मैचेस में 5.81 के खतरनाक इकोनॉमी से 12 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 4 of 17 था और उन्होंने एक 4 विकेट हॉल लिया था। IPL 2010 में मुंबई इंडियंस को रनर्सअप बनाते हुए हरभजन सिंह ने 15 मैचेस में 17 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 3 for 31 था। उन्होंने 7.04 की अच्छे इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2011 में मुंबई इंडियंस की तरफ से फिर से खेलते हुए हरभजन सिंह ने 15 मैचेस में 14 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 5 for 18 था। उनका बेहतरीन 6.98 का इकोनॉमी था और एक 5 विकेट हॉल भी लिया था। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2012 में हरभजन सिंह ने 17 मैचेस में 6 विकेट लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 2 for 13 था। उन्होंने 7.11 के अच्छे इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2013 में मुंबई इंडियंस को पहली बार के लिए चैंपियन बनाते हुए हरभजन सिंह ने 19 मैचेस में 24 विकेट्स लिया था। उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग था 3 for 14 और उन्होंने 6.51 के बेहतरीन इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2014 में फिर से मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हरभजन सिंह ने 14 मैचेस में 14 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 2 of 13 था। उन्होंने 6.47 के बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2015 में मुंबई इंडियंस को दूसरी बार के लिए चैंपियन बनाते हुए हरभजन सिंह ने 15 मैचेस में 18 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 3 for 27 था और उनका 7.82 का इकोनॉमी था। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए IPL 2016 में हरभजन सिंह ने 14 मैचेस में 9 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 2 of 29 था और उन्होंने 8.00 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2017 में आखिरी बार के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए हरभजन सिंह ने 11 मैचेस में 8 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 3 for 22 था और 6.48 का बेहतरीन इकोनॉमी था। IPL 2018 में नई टीम चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलते हुए हरभजन सिंह ने 13 मैचेस में 7 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 2 for 22। उन्होंने 8.48 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2019 में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए हरभजन सिंह ने 11 मैचेस में 16 विकेट्स लिया था और उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स था 3 for 20। उन्होंने 7.09 के अच्छे इकोनॉमी से बॉलिंग किया था। IPL 2020 में हरभजन सिंह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा तो थे, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हरभजन सिंह ने उस सीजन का IPL नहीं खेला था। अपना आखिरी IPL सीजन खेलते हुए 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से हरभजन सिंह ने 3 मैचेस खेले थे, जहां पे उन्होंने कोई विकेट्स नहीं लिया था। उन्होंने 9.00 के इकोनॉमी से बॉलिंग किया था और उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग 0.48 था। टर्बिनेटर हरभजन सिंह के फुल IPL करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने 163 मैचेस में 150 विकेट्स लिया था, जहां पे उनका बेस्ट बॉलिंग इनिंग्स 5 for 18 है। उन्होंने 7.08 के अच्छे इकोनॉमी से बॉलिंग किया था और 1-1 4 विकेट और 5 विकेट हॉल भी लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।